ये मेरा सौभाग्य है कि चीनी उद्योग को आज पहले बोलने का मौका मिला। मैं गन्ना आयुक्त महोदय का धन्यवाद करता हूँ, साथ ही अपनी ओर से और उद्योग की ओर से गन्ना आयुक्त महोदय, प्रबंध निदेशकगण एवं विद्वान वक्ताओं का स्वागत करता हूँ। चीनी उद्योग की वर्तमान स्थिति से आप लोग भली प्रकार परिचित हैं। अगर मैं भारी दुर्दशा ना भी कहूं तो ये उद्योग दुर्दशा का शिकार है। इस विषय को लेकर के हम सभी लोग अक्सर प्रयास करते रहते हैं। मैं प्रदेश के नीति निर्धारकों का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस समस्या को समझा और भरसक प्रयास ये किया कि जो दिक्कतें आ रही हैं उनको कम किया जाए। किसी भी समस्या पे जब हम बात करते हैं या किसी भी परिवेश में बात करते हैं तो आंकड़ों का अपना एक महत्वपूर्ण रोल होता है। इसी संदर्भ में यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कुछ आंकड़े एकत्र किए हैं जो आपको भारत के परिवेश का थोड़ा परिचय देंगे कि हम कहाँ पर हैं और किन स्थितियों से गुजर रहे हैं। शायद ये आज की कार्यशाला के लिए एक उपयुक्त प्रारंभ होगा ताकि हम सभी इस पर विचार कर सकें। ऐसा मेरा विश्वास है कि इस कार्यशाला के उपरांत हम सभी बड़ी प्रकार से इस बात के लिए तैयार होंगे कि आने वाली चुनौतियां और जो हमारे सामने लक्ष्य हैं उनको हम कैसे प्राप्त करें। अगर आप देखें कि विभिन्न देशों में मिलिंग कैपेसिटी कितनी है, वहीं से अगर हम अपना ये प्रारंभ करें तो मिलिंग कैपेसिटी के संदर्भ में देखिए तो भारत का स्थान कहीं नीचे आता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो भारत की मिलिंग कैपेसिटी TCD एवरेज है उसके मुकाबले और देशों में कहीं ज्यादा है, लगभग 2.5 से 3 गुना ज्यादा है। ये इस बात की ओर जरूर इशारा करता है कि हमारी कहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वर्ल्ड लेवल पे अगर कंपेयर करें तो कहीं शायद ज्यादा होती होगी, क्योंकि हमारी एवरेज मिलिंग पर डे कम है। चेन की हम बात करें, आजकल अक्सर ये संदर्भ में आता है, तो 1000 यानी 1 टन गन्ने से हम चीनी के साथ साथ क्या क्या ले सकते हैं। मैं यहां पर ये बताना चाहूंगा कि ये ध्यान रखें कि ये देशव्यापी औसत पर है, किसी एक प्रदेश विशेष के लिए नहीं है। तो 100 किलो चीनी, 300 किलो बगास, 45 किलो मोलासेस, 30 किलो प्रेस मड, फिर उससे हम जब आगे बढ़ते हैं तो स्टीम और स्टीम से विद्युत, जो आज के परिवेश में बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, और उसमें भी आप देखिए तो काफी बड़ा हिस्सा हम स्टेट ग्रेड को आयात कर सकते हैं, कर सकने की स्थिति में है। उसी प्रकार से जो 45 किलो मोलासेस हमें मिलता है उससे एल्कोहल लगभग 10.5 लीटर, जिसको कि आगे हम इथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सभी लोग परिचित होंगे, अवगत होंगे कि कल भारत सरकार ने कुछ छूट का ऐलान किया है जिससे कि एथेनॉल बनाना चीनी मिलों के लिए थोड़ा ज्यादा लाभकार होगा, साथ ही प्रेसमड और प्रेसमड से बनने वाला बायो फर्टिलाइजर। ये हमारी वैल्यू चेन है, अर्थात गन्ने का अगर हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें तो उसमें वेस्टेज का स्कोप, जो आगे विद्वान वक्ता और बताएंगे आपको, वेस्टेज का स्कोप बहुत कम बचता है। इथेनॉल की बात हम लोग अक्सर करते रहते हैं, तो इसमें इथेनॉल के लिए हमारे पास शीरा है, हम शीरे से बना ही सकते हैं। इसके अलावा बातचीत हो रही है कि जो बी हैवी मोलासेस होता है, अभी हम सी हैवी मोलासेस से बना रहे हैं, बी हैवी मोलासेस से यदि हम बनाते हैं और में मिलाकर एक हरित ईंधन का काम कर सकते हैं। वर्तमान में भारत सरकार के नियमों के तहत हम 10% मिश्रण कर सकते हैं, जो अभी व्यावहारिक कारणों से शायद संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन उद्योग को आशा है और सरकार का प्रोत्साहन है कि आने वाले समय में हम इसको बढ़ा लेंगे। अगर 5% ही हम ब्लेंडिंग कर पाते हैं, यानी 5% मिश्रण कर पाते हैं पेट्रोल में इथेनॉल का, तो लगभग $900 मिलियन की हम विदेशी मुद्रा की बचत प्रति वर्ष कर सकते हैं। और वर्तमान परिवेश में देखें आप तो ये जो बचत है विदेशी मुद्रा की, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरह से बगास के प्रयोग से जो हम पावर बनाते हैं, वो अगर आज की हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखें, जो हमारी क्षमताएं हैं, अभी स्थापित क्षमता है, वो लगभग 7,500 मेगावाट की है। इससे कुल 210 मिले अगर देशव्यापी स्तर पर देखें तो लगभग 600 मिलों के माध्यम से गन्ना से चीनी उत्पादन हो रहा है, जिसमें से कुल 210 मिलों पर यह सुविधा उपलब्ध है, जो कि बढ़ाई जा सकती है, काफी हद तक बढ़ाई जा सकती है। इसमें प्रोत्साहन की आवश्यकता तो रहती ही है, लेकिन ये आवश्यक होगा कि इस प्रोत्साहन को पाने के लिए हम लोग सभी
प्रयास ये करें कि को जनरेटेड पावर बनाना शुरू करें और उसको हम एक्सपोर्ट करना शुरू करें। एक विषय आता है अक्सर जिसपे चर्चा होती है, वो है गन्ना मूल्य। अगर गन्ना मूल्यों में बढ़ोतरी को देखें तो जो उचित और लाभकारी मूल्य भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, ये उसका हमने प्रदर्शित किया है, जो कि पिछले लगभग 10 सालों में काफी बढ़ गया, लगभग दुगने के आसपास संभवतः पहुंच रहा है, और ये एक चर्चा का विषय जरूर हो सकता है आज की कार्यशाला में भी और अदरवाइज भी, कि ये मूल्य जो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है इसके और फिर राज्य समर्थित मूल्य, राज्य परामर्शित मूल्य, इन पर चर्चा हो सकती है। देश में कुल 5 राज्य ऐसे हैं जो राज्य परामर्शित मूल्य घोषित करते हैं, हमारा प्रदेश भी उनमें से एक है। इसके साथ ही उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु ये राज्य परामर्शित मूल्य घोषित करते हैं, जो हमेशा ही उचित और लाभकारी मूल्य जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है उसके ऊपर होते हैं। ये भी एक काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इनकी बढ़ोतरी और इसके समकक्ष अगर एफआरपी की बढ़ोतरी आप देखें तो पाएंगे कि राज्य परामर्शित मूल्यों की बढ़ोतरी अपेक्षाकृत ज्यादा हुई। इस ओर भी मैं इस कार्यशाला का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अब बात अक्सर आती है कि चीनी के दाम गिर रहे हैं। चीनी के दाम क्यों गिर रहे हैं? उसका एक मुख्य कारण यह है कि देश में चीनी का भंडार आवश्यकता से कहीं अधिक है। अगर आप देखें 2010-11 में जो उत्पादन हुआ और जो खपत हुई, वहां से जो डिफरेंस आना शुरू हुआ है वो अभी तक जारी है, और इस साल भी, ये थोड़े से पुराने आंकड़े हैं, लगभग मार्च 15 के आसपास तैयार किए गए हैं, अगर वर्तमान में देखें तो इस समय भी 270-272 इस तरह के प्रोडक्शन की बात हो रही है देश में, और इतने ज्यादा प्रोडक्शन के रहते चीनी का दाम बढ़ पाना मुश्किल लगता है। ये भारत सरकार से हमें जरूर मदद मिली है कि चीनी का आयात शुल्क 25% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है, लेकिन बढ़ते हुए उत्पादन कम से कम आगामी 1 या 2 वर्षों में चीनी के मूल्यों में बहुत अप्रत्याशित बढ़ोतरी की उम्मीद कम है। इसी वजह से जब खपत और उत्पादन में आप अंतर पाएंगे तो देखेंगे कि हर साल जो हमारा कैरी ओवर स्टॉक है, जो स्टॉक हम अगले साल के लिए ले जाते हैं, जो की खपत के बिना रह जाता है हर साल, जो हमारे गोदामों में पड़ा हुआ है, हमारी चीनी मिलों के गोदामों में पड़ा हुआ है, वो बढ़ता जा रहा है। इसमें एक अपवाद है 2012-13, अगर उस अपवाद की चर्चा ना करें तो आप पाएंगे 2010-11 से निरंतर ये 2014-15 तक बढ़ता गया है। इसी के साथ इसके फलस्वरूप चीनी के दामों में लगातार गिरावट आ रही है, जो कि वर्ष 2004-05 में लगभग 34 रुपए प्रति क्विंटल थी, वो आज देशव्यापी औसत पे 2200 रुपए क्विंटल हो गई है, यानी 1200 रुपए क्विंटल या 12 रुपए किलो की गिरावट आई है। ये खाद्य सामग्रियों में संभवतः एक अपवाद है कि जिसके दाम गिरते जा रहे हैं निरंतर। हम पाते हैं अपने घरेलू बजट में भी पाते हैं कि हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन अपवाद के तौर पर चीनी के दाम घटते जा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण मैंने आपसे चर्चा की, बढ़ता हुआ उत्पादन, ऊपर से आयात और कैरी ओवर स्टॉक। हमारे यहां जब चीनी की खपत ज्यादा होती है तो दुर्भाग्यवश विश्व में भी चीनी का उत्पादन बढ़ रहा है, और जो मुख्य चीनी उत्पादक देश है उनमें बढ़ते हुए उत्पादन के मद्देनजर आप देखिए कि विश्व स्तर पे भी चीनी के दामों में गिरावट आ रही है। ये न्यूयॉर्क मार्केट के हमने स्पॉट प्राइसेस ली थी 15 मार्च के आसपास की, तो ये उसके हिसाब से आप देखिए बड़ा स्टीप डिक्लाइन है, लगातार घटते हुए ये दाम कहां थे और कहां पहुंच गए। $30 से घट के लगभग $30 के आसपास थे, जो घट के आज 12-14 डॉलर के आसपास पहुंच गए, यानी उसमें भी लगभग 50% की गिरावट दर्ज की जा रही है। इन सब का मिलाजुला फल
संभवतः किसान के लिए एक परेशानी का सबब है, क्योंकि केन एरियर यानी जो हमारे ड्यूज हैं, जो गन्ना मूल्य भुगतान के ड्यूज हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास चीनी मिलों के पास ये क्षमता नहीं है कि वो अपने राजस्व से, जो राजस्व चीनी बेच के प्राप्त होता है, उससे गन्ना मूल्यों का पूरी तरह से भुगतान कर सके। कल भारत सरकार के पत्र सूचना ब्यूरो द्वारा जारी एक आंकड़े में ये बताया गया कि लगभग 21,000 करोड़ के ड्यूज हो चुके हैं, जो वास्तव में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और मैं विश्वास दिलाऊंगा इस कार्यशाला को कि चीनी मिले भी इस स्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ है, और ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी के भी नियंत्रण से बाहर है। आगे बढ़ें, कैसे आगे बढ़ें, इस पे भी विचार करना इस कार्यशाला को। मेरा ये निवेदन होगा कि जब हम आगे बढ़ने की बात करें तो ये कुछ चार बिंदु समझ में आते हैं, जिन पर भी विचार अगर ये कार्यशाला कर ले तो संभवतः ठीक रहेगा। जिसमें एक, गन्ना मूल्य नीति। गन्ना मूल्य निर्धारण नीति पर काफी चर्चा होती रही है, लेकिन इसका कोई एक लॉजिकल इकोनॉमिकल कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा, और मुझे विश्वास है कि हमारे नीति निर्धारक राज्य स्तर पर या भारत सरकार के स्तर पर जरूर निकाल लेंगे, ताकि जो चीनी मिलों को राजस्व प्राप्ति होती है वो राजस्व प्राप्ति थोड़ी सी बेहतर हो, ताकि हमारी जो गन्ना मूल्य भुगतान क्षमता है उसको हम बढ़ा पाए। साथ ही चीनी मिलों के राजस्व बढ़ाने के लिए अगर इथेनॉल का हम प्रोडक्शन बढ़ा लें, जो कि जिसके लिए भी फैक्ट्रियां काफी हद तक अपने इनिशिएटिव पे काम कर सकती हैं। इथेनॉल में कल जो उत्पादन शुल्क में छूट भारत सरकार द्वारा दी गई है, उससे इथेनॉल बनाना काफी लाभप्रद होना चाहिए। और इथेनॉल के साथ साथ जो हमारे और बाई प्रोडक्ट्स हैं, विशेषकर शीरा या बगास से बनने वाली विद्युत, उनसे भी जो हमें अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी, उनसे चीनी मिलों की वर्तमान हानि तो दूर हो ही सकती है, साथ ही वो ऐसी स्थिति में भी होंगी कि अपने गन्ना मूल्य भुगतान दायित्वों का भली प्रकार पालन कर सके। हम लोग बार बार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि इथेनॉल पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसी संदर्भ में डिफरेंट प्लेसेस पे लोगों के सामने रखे, नीति निर्धारकों के सामने रखे, विचारकों के सामने रखे, हमें विश्वास है कि अगर इस पे विचार किया जाए तो जरूर होगा। अगर आप इथेनॉल प्रोडक्शन की बात करें तो कुछ आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। इसमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र जिसमें तेलंगाना शामिल है, बिहार और हरियाणा, उत्तराखंड, क्योंकि इनकी क्षमताएं बहुत सीमित है इसलिए इनको क्लब करके देखा गया है, तो 28 मिलों में यह सुविधा उपलब्ध है, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 65.76, उसके सापेक्ष महाराष्ट्र में ये 50 है और उनकी स्थापित क्षमता हमसे कुछ कम है, क्योंकि उन वहां मिलों का एवरेज साइज मुझे बताया गया कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुकाबले कम है, जो क्रशिंग कैपेसिटी है वो कम है। उसी प्रकार से कर्नाटक में 17, तमिलनाडु में 8, आंध्रा में 34, गुजरात में 8, बिहार में 5, पंजाब में 1, हरियाणा उत्तराखंड में 2, कुल मिला के 133 इकाइयों के माध्यम से इथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है, जो लगभग 200 करोड़ लीटर वर्तमान दरिया हैं, जिनमें भी ये हो सकता है, और कुल मिलाकर 23.73 करोड़ लीटर प्रति वर्ष हम इथेनॉल बना सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम क्षमताओं की बात करें तो भारतीय चीनी उद्योग 7,500 मेगावाट पावर दे सकता है, जो लगभग दो अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट्स के बराबर है। आपको पता ही है कि अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट लगाने में बहुत ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है, बहुत ज्यादा रिकरिंग कॉस्ट आती है, काम विद्युत उत्पादन होता है, उनमें ये समस्याएं नहीं है। एक क्लीन और ग्रीन पावर का वादा ये इंडस्ट्री कर सकती है। अभी हम कुल 4200 मेगावाट की स्थापित क्षमता की बात करते हैं, जिसको हम बढ़ा के 7,500 मेगावाट आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए होगा, और मुझे विश्वास है कि अगर हमें इसे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले तो ये हम कर सकते हैं। वर्तमान में 255 मिलों पर ये क्षमताएं स्थापित हैं, जो कुल 4200 मेगावाट बिजली जनरेट कर सकती हैं। आपको मैं फिर याद दिला दूं, देश भर में करीब 600 चीनी मिले हैं, अगर हम सब में करने लगे तो आप सहज अंदाज लगा सकते हैं कि विद्युत उत्पादन की कमी
या विद्युत की जो कमी वर्तमान में प्रदेश और देश स्तर पे है उसको दूर करने में आपका उद्योग एक महत्वपूर्ण भाग अदा कर सकता है। एक परेशानियां हैं जो संभवतः सभी प्रक्रियाओं में क्रियाओं में होती हैं, जो हम इथेनॉल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं उसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा होता है। एक्साइज परमिट्स एक ऐसा विषय है जिसपे राज्य के अपने कारण हैं और चीनी मिलों के अपने कारण हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में इथेनॉल ले जाने में कुछ समस्याएं आती हैं। साथ ही हमने ये भारत सरकार के सामने मांग रखी थी कि इथेनॉल की जो ड्यूटी और टैक्सेस है उन्हें कम किया जाए। इस संदर्भ में बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया भारत सरकार की रही जिन्होंने कि चीनी पर उत्पादन इथेनॉल पे उत्पादन शुल्क अगले सत्र से खत्म कर दिया है। इस कार्यशाला के विचार करें ताकि इसे प्रोत्साहन मिल सके। अगर ड्यूटी और टैक्सेस की बात करें तो आप पाएंगे कि यूपी में इथेनॉल पे एक रुपया प्रति क्विंटल या प्रति लीटर है, संभवतः प्रति लीटर है जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है, उसके अलावा अदर ड्यूटीज मिला के 95 पैसे। उसी प्रकार से अन्य राज्यों में भी ड्यूटियां लगती हैं। हम और विशेषकर गुजरात की तुलना में तो कम है लेकिन और राज्यों की तुलना में लगभग बराबर या कुछ अधिक है, इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी। अगर हम 10% मिश्रण करते हैं पेट्रोल में इथेनॉल का तो हमें 230 करोड़ लीटर इथेनॉल चाहिए होगा। लेकिन आपको पता है इथेनॉल का विपणन या इथेनॉल की का विक्रय राज्य देश की जो अग्रणी पेट्रोलियम कंपनियां हैं इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम के माध्यम से किया जाता है, जो साल में 2 बार इसके लिए निविदा आमंत्रित करती हैं और निविदाओं के तहत हम क्वांटिटीज उनको ऑफर करते हैं और वो क्वांटिटी एक बार तय हो जाने पर उस मात्रा में वो इथेनॉल हमसे खरीदती हैं। लेकिन व्यावहारिक तौर पे हमारा अनुभव ये है, चीनी मिलों का अनुभव ये है कि वो उतना जो कॉन्ट्रैक्टेड होता है उसको उठा नहीं पाते। जब हम सप्लाई करते हैं तो वो स्थिति में नहीं होते कि उतना इथेनॉल ले सकें। तो हम इसलिए कुल 81 करोड़ लीटर ही दे पाए हैं उनको। करीब 150 करोड़ लीटर ऐसा है जो हमसे ले सकते हैं, जो उपलब्ध है, लेकिन वो संभवतः व्यावहारिक कारणों से पेट्रोलियम कंपनी द्वारा उठाया नहीं जा रहा। इसी प्रकार से जैसे मैंने आपसे चर्चा की, वर्तमान में हम सी हैवी मोलासेस से इथेनॉल बनाते हैं। अगर इसको बी हैवी मोलासेस से इथेनॉल बनाने का प्रयास किया जाए तो कुल लगभग 580 करोड़ लीटर एल्कोहल होगा और अभी जो वर्तमान में 270 है, यानी एडिशनल अवेलेबिलिटी 310 करोड़ लीटर की होगी, जो कि 15% भी अगर मिश्रण की बात करें तो उसके लिए भी पर्याप्त होगी। लेकिन इसके लिए मिलों को प्रोत्साहन की आवश्यकता है। जैसे हमने भारत सरकार के सामने ये बात रखी थी, भारत सरकार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए इसको मान भी लिया। 7 रुपए की हमारी मांग थी जो एक्साइज ड्यूटी कटने के बाद लगभग 5 रुपए हमें मिलेगा, जो एक प्रोत्साहन के तौर पर इस बात के लिए कार्य करेगा कि वी हैवी मोलासेस से भी इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जा सके। ये थोड़ी सी पुरानी स्लाइड है क्योंकि कल के जो डेवलपमेंट्स है वो इसमें इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, मैं इससे आगे बढ़ना चाहूंगा। अगर 4 राज्यों के जो मुझसे ज्यादा चीनी उत्पादन कहां होता है, आप भली प्रकार जानते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और इसके बाद तमिलनाडु, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो देश की कुल चीनी उत्पादन क्षमता का लगभग 85% पूरा करते हैं। यहां मैं एक बात रखना चाहूंगा श्रोताओं के, कार्यशाला के सम्मुख, कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो गन्ना मूल्य निर्धारण प्रणाली है उसमें कुछ आमूल्य परिवर्तन करते हुए उन्हें ऐसा बना दिया गया है कि उनकी चीनी का की उत्पादन लागत उनसे कम आ रही है, जो दोनों मिला के लगभग 55% देश की चीनी का उत्पादन करते हैं। इस बात का सहज अंदाज लगाया जा सकता है कि फ्री मूवमेंट वाली इस खाद्य सामग्री जो एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से भेजी जा सकती है, अगर 55% चीनी सस्ते में बनेगी तो 45% चीनी कौन खरीदेगा। मैं चाहता हूं कार्यशाला इस पर भी गहन विचार करें कि हमें आज प्रतिस्पर्धा के इस दौर में अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखना होगा ऐसे बेचें ताकि हमारा भी सर्वाइवल हो और इस राज्य का मुख्य उद्योग जो चीनी उद्योग है वो सर्वाइव कर सके।
मुझे बड़ा हर्ष है ये बात कहते हुए कि स्टेट की जीडीपी जो सकल डोमेस्टिक उत्पाद होता है स्टेट का, उसका लगभग 11.5% ये उद्योग पूरा करता है। इसके साथ ही लगभग 14,000 करोड़ का राजस्व हम सरकारी कोष में योगदान के तौर पे देते हैं। तो मुझे विश्वास है कि हमारे नीति निर्धारक इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि हमें महाराष्ट्र और कर्नाटक आदि राज्यों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मैंने आपके सामने बात रखी, और उसके समकक्ष अगर आप मिलों को मिलने वाले राजस्व की स्थिति का आकलन करना चाहें, तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हरे रंग से दर्शाई गई है, बैगनी रंग से दर्शाई गई है एक्स मिल प्राइस। तो आप देखेंगे कि उत्पादन लागत के सम्मुख जो राजस्व प्राप्ति हो रही है उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, जो अंतर किसी भी चीनी मिल द्वारा अपने संसाधनों से पूरा करना संभव नहीं है। और यही एक कारण है कि हमारे केन यूज यानी गन्ना दे बढ़ रहे हैं। अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें और एक्स मिल की प्राइस करें और उसको एक ग्राफ के उसमें देखें, तो आप पाएंगे कि प्रोडक्शन तो लगभग बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एक्स मिल प्राइस में लगातार डिफरेंस बढ़ रहा है। मैं कार्यशाला का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा। एक और विषय है जो विद्युत, यूपी के रेट्स अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि यूपी के वन ऑफ द लोएस्ट रेट्स हैं, तमिलनाडु अपवाद है। और उसके बाद भी समय पे भुगतान न होना चीनी मिलों की विद्युत उत्पादन की एक्टिविटी को बड़ा हतोत्साहित करता है, क्योंकि प्लांट लगाने में आने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिकरिंग एक्सपेंडिचर भी हम इसी से मीट करते हैं। और उसके बाद अगर हमें पेमेंट समय से ना मिले और कम मिले, तो ये एक ऐसी चीज हो जाती है कि जिससे लोग आगे प्लांट लगाने के बारे में सोचेंगे। मैं चाहूंगा कि इस और भी विचार किया जाए कि इसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। प्रतिस्पर्धा का युग है, हम सभी जानते हैं, हम सभी गहन प्रतिस्पर्धा से रोज स्वयं भी गुजरते हैं, उद्योग भी गुजर रहे हैं। और ऐसे में हम पाते हैं कि हमारा उद्योग अगर प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में पीछे हो रहा है, तो ये हमारे सामने आवश्यक हो जाता है कि उसके कारणों को हम विश्लेषित करके किसी समाधान की ओर पहुंचे, जिसमें एक मुख्य कारण है हमारी बढ़ी हुई उत्पादन लागत, दूसरे हमें जो गन्ना मूल्य निर्धारण प्रणाली है उसमें जो भी परिवर्तन संभव हो, और उसके अलावा जो मिलों को काफी हद तक अपने आप ही करना है कि इथेनॉल की जो हमारे पास सरप्लस। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन समाप्त करने जाना चाहूंगा। धन्यवाद।